इस वीडियो में हमने iPhone 14 Plus का वास्तविक गिवअवे किया है और गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करें और जीते अपना iPhone 14। तो यहाँ हैं जनाब, जो कि पीसी वाली वीडियो पे अच्छी खासी एंगेजमेंट लेने के बाद सेब और हवा दोनों का आनंद ले रहे हैं। ओहो, ये आईफोन के गिवअवे के कमेंट्स की तो भरमार ही हो गई है। अरे यार, ये आईफोन के गिवअवे वालों ने भी परेशान कर दिया इतना मैसेज कर करके। अब मैं बेचारा भी क्या ही करता, कौन बताए इनको कि कालू को लेने के बाद बजट मेरा है टाइट, जेब मेरी है लाइट, बैंक में बैलेंस है जीरो, अब कैसे बनूं मैं आईफोन खरीद के हीरो। अब आता है मुझे एक मैसेज। मैसेज क्या, 78,000 रुपीस क्रेडिटेड। वाह, मजा आ गया, आईफोन 14 का जुगाड़ हो गया, अब होगा आईफोन 14 का गिव अवे। सन 1980 में हमने आईफोन लिया था, लेकिन कहीं वो आते आते योर फोन ना बन जाए, इसीलिए अब तुम देखो मेरा जादू। तो भैया, होने वाली है हमारे इस आईफोन 14 की अनबॉक्सिंग, जो कि मुझे नहीं पता कि अभी अंदर कैसा होगा, क्योंकि मैंने इसे एक भी बार अभी तक नहीं खोला, क्योंकि भाई ये तुम्हारा आईफोन ऐसा गिवअवे होने वाला तो है, जिसे पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर तुम गिवअवे के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो आईफोन 14 का। तो भाई इसको करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। ये है हमारा iPhone 14 Plus, जो कि बहुत ही लाइट वेट है यार, मतलब जो iPhone 14 Pro Max वगैरह थे, मतलब उतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा मुझे, मतलब साइज तो मतलब Pro Max टाइप का ही है, लेकिन भाई वेट काफ़ी ऐसा कम है, हैंड में फील आ रही है ना, काफ़ी ऐसा रिच सी फील आ रही है यार, मतलब पीछे से बहुत ही स्मूथ टाइप का टेक्सचर इसमें दिया गया है। बड़े बड़े लेंसेज हैं इसमें, iPhone 13 से बड़े लेंसेज हैं कैमराज के, जिसमें आपके सांस भोगा नहीं 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 बहुत ही बढ़िया आएगा। आगे इसमें जैसे प्लस मॉडल है तो डायनेमिक आइलैंड वगैरह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन भाई ये भी जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और ये भाई किनारे किनारे इसमें एल्यूमिनियम का दिया गया है शील्ड। अब भाई ज़्यादा बकवास ना करते हुए इसको ऑन करते हैं। तो भाई जो इसकी स्क्रीन है, जैसा कि हमें पता है 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि भाई अगर 90Hz का होता तो एकदम कतई मजा आ जाता है यार, लेकिन 60Hz का कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। इसमें भाई चलो कोई बढ़िया सा नेचर विचर का वीडियो प्ले करके देखते हैं इसकी स्क्रीन में कैसा आता है। ये सांप वाला वीडियो देख दिख रहा है, क्लिक कर देता हूँ। भाई सांप तो काफ़ी एकदम ऐसा रियल लग रहा है, जैसा लग रहा है एकदम ऐसे उभर के, ऐसा उभरा उभरा थोड़ा 3D, मतलब ऐसा लग रहा है भाई आईफोन 14 है, जना ही दे रहा है। अब भाई इसका थोड़ा कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। इसमें चलो कॉल ऑफ ड्यूटी चला के दिखाता हूँ भाई तुमको। तो भाई ये हमारा चल गया है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा इतना स्मूथ लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है भाई। लैग वैग का तो भाई नामो निशान ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, मेरे पास शब्द नहीं है भाई इसका, इतना स्मूथनेस है, ऊपर से इसका डिस्प्ले जो यार इतना 60Hz का रिफ्रेश रेट है, ऊपर से ये 4K डिस्प्ले जो देता है ना भाई, इतना बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस है। अब भाई बता देता हूँ इसकी बहुत ही बढ़िया खासियत, जो कि ये एक रेयर है आईफोन अभी तक का जिसमें ये चीज़ है, ये वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल बैटरी वाला आईफोन है। इसमें भाई 4972 mAh की बैटरी, जो कि प्रो मैक्स वाले मॉडल से 2 mAh ज़्यादा है भाई, बहुत ही बढ़िया बैटरी है। और एक तो इसका जो डिस्प्ले है ना वो प्रो मैक्स थोड़ा छोटा है, इस वजह से इसकी जो बैटरी ना बहुत लंबी चलती है भाई, मतलब कि 2 दिन तो आराम से ही चल जाती है। और भाई इसमें जो कैमरा है ना, ये 16 मेगापिक्सल के 2 कैमरा हैं प्लस मॉडल में, अगर आप प्रो मैक्स वगैरह लेते हो ना तो आपको 3 कैमरा मिलते हैं 48 मेगापिक्सल का टोटल, लेकिन भाई ये जो है ना इसमें सिनेमैटिक मोड वगैरह है, और काफ़ी मतलब ऐसा 4K में ऐसा रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो इसकी कैमरा की मतलब शार्पनेस है ना, वो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है, शार्पनेस थोड़ी कम करनी थी, बाकी सब कुछ जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है बहुत ही गजब का है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। अब भाई क्या ही बताऊँ इस फोन का, इस फोन को तो आप खुद ही देखना जब आप गिव अवे पार्टिसिपेट करोगे, विनर बनोगे, आपके पास ये फोन आएगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्टिसिपेट करो भाई, विनर बनो आईफोन 14 प्लस का। तो भाई फिर मिलेंगे इसी तरह के बहुत ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।